सो हेलो, माय नेम इज आयुष, एके टेक रेडिटर। कुछ दिन पहले मैंने एक फ़ोन ऑर्डर किया था, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, जो कि कल मुझे ये डिलीवर हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बॉक्स पे लिखा मिल जाता है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, और ऊपर मेंशन किया गया 108 मेगापिक्सल कैमरा के लिए। उसके नीचे आपको एक सेक्शन मिलता है जिसमें आपको कवर, जो कि नॉर्मल सा कवर है, और ये इसका क्वालिटी ठीक ठाक है, नॉर्मल है। और उसके नीचे आपको यूजर मैनुअल मिलता है जिसको आप पढ़ के ज्ञान ले सकते हैं। और उसके ऊपर आपको मिलता है सिम इजेक्टर पिन। उसके जस्ट नीचे आपको फ़ोन मिलता है जो कि विंटेज ब्रॉन्ज कलर में है। मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और एक हाथ से अनबॉक्सिंग, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है, बट फ़ोन बहुत सही लग रहा है इस कलर में, और इन एंड फील भी बहुत सही है, और कैमरा बम दिखने में बहुत सही लग रहा है। और उसके जस्ट नीचे आपको एक और सेक्शन मिल जाता है जिसमें कि आपको चार्जर मिल जाता है जो कि है 33 वाट का, आप जैसा कि आप देख भी सकते हैं। और उसके जस्ट बगल में आपको एक और सेक्शन मिलता है जिसमें USB A to USB C केबल मिलता है। बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में, तो इसमें आपको राइट साइड में वॉल्यूम अप और डाउन के लिए बटन मिलती है, और उसके जस्ट नीचे आपको लॉक अनलॉक बटन मिलती है जिसमें कि फिंगरप्रिंट इनबिल्ट है। और नीचे की तरफ आपको एक स्पीकर ग्रिल मिलती है, उसके बगल में आपको USB Type-C पोर्ट मिलता है, और उसके बगल में आपको एक माइक्रोफोन मिलता है, और लेफ्ट साइड में आपको एक ट्रिपल स्लॉट मिलता है जिसमें आप माइक्रो SD कार्ड और दो दो सिम साथ में लगा सकते हैं। और ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm जैक भी मिलता है, इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है जिसकी वजह से ऊपर भी एक स्पीकर ग्रिल मिलती है। उसके बगल में आपको माइक मिलता है, और उसके जस्ट बगल में आपको IR ब्लास्टर मिलता है जिसको आप एज अ रिमोट यूज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर होता है। और बैक साइड में आपको नीचे रेडमी लिखा हुआ मिल जाता है, और कैमरा डिजाइन बहुत सही लगता है। इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, और उसके बगल में लिखा है अल्ट्रा प्रीमियम। इसका जो ब्रॉन्ज कलर है वो बहुत सही दिखता है, और मैट फिनिश है, बट तभी भी फिंगरप्रिंट इस पर आते हैं। बात करते हैं इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 720G मिलता है, और इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, और 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, और 6.67 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि बहुत लार्ज डिस्प्ले है, और इसका जो डिस्प्ले में कैमरा है वो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है। इसमें आपको Z-axis हैप्टिक फीडबैक मिलता है, इसमें आपको 5020 mAh की बैटरी मिलती है, और ये चार्ज होता है 33 वाट से, जो कि आपको बॉक्स में मिलता है। इसमें आपको दो वेरिएंट मिलता है, एक 6GB 128GB और एक 8GB 128GB, आपको जो अच्छा लगे वो आप खरीद सकते हैं। मैंने जो लिया है वो है 6GB 128GB। और बात करते हैं कैमरा क्वालिटी की, जो बैक कैमरा से फोटो जाते हैं और वीडियो जो बहुत सही होते हैं, और जो फ्रंट कैमरा है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कैमरा, क्योंकि जब फोटो आप क्लिक करें तो आपको जो टेक्सचर्ड इमेज मिलती है आपको खुरदुरा टाइप, और जब आप कैमरा ऐप खोलें और फोटो क्लिक करने के लिए जाएं तो आपको स्क्रीन जो है स्मूथ दिखती है। वही सेम अगर फोटोज़ में मिलता तो अच्छी रहती, बट आपको जो रेंडर होकर फोटो मिलती है वो टेक्सचर टाइप मिलती है, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग लगती है। ये इसका वीडियो सैंपल, बताना आप लोग कैसा लगा। और कुछ फोटोज हैं, ये है नॉर्मल शॉट, और ये भी है नॉर्मल, और ये माइक्रो कैमरा से, और कुछ माइक्रो शॉट्स हैं, ये फुल वाला बहुत सही है। तो ये था क्विक अनबॉक्सिंग और इसके कुछ खास फीचर्स, और मैं रियल रिव्यू वीडियो बनाऊंगा इसको कुछ दिन यूज़ करने के बाद। तो बस ये था कुछ नोट 10 प्रो मैक्स के बारे में, और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।